क्या होता है मर्न स्टैक, कैसे काम करता है, मॉडर्न इंटरनेट पे ये एप्स कैसे स्ट्रक्चर किए जाते हैं, कैसे होस्ट किए जाते हैं और हर चीज कैसे इंटरनली काम करती है, आज हम समझेंगे बड़े प्यार से। पहली चीज ये समझते हैं कि जो आज के समय में मॉडर्न ऐप है उसके अलग अलग पीसेस होते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि हर पीस कहाँ लगती है। पहली पीस होती है डेटाबेस। तो भैया डेटाबेस से क्यों शुरू कर रहे हो, क्योंकि डेटाबेस नहीं होगा तो मर्न स्टैक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो आर से ही काम चल जाएगा, रिएक्ट से ही काम चल जाएगा। तो जो मोंगो एक्सप्रेस और नोड है रिएक्ट के साथ साथ, वो सारा का सारा काम डेटाबेस के लिए है। लेकिन आप बोलो कि डेटाबेस की जरूरत कहाँ पड़ती है, बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जिसमें डेटाबेस की कोई जरूरत नहीं है, बट हर कुछ एक वेबसाइट तो होता नहीं है, वेब ऐप भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक ईमेल देख लो, यूट्यूब देख लो, ये सब क्या है, ये सब वेब ऐप्स हैं जो आपके प्रेफरेंसेस को, आपकी सेटिंग्स को कहीं सेव करके रखते हैं, आपके डेटा को कहीं सेव करके रखते हैं। तो कहाँ सेव करके रखते हैं, किसी के पॉकेट में तो डालते नहीं है पर्ची लिखकर, तो कहाँ सेव करते होंगे, कहीं रखते होंगे क्लाउड में। अच्छा, क्लाउड में कहाँ रखते होंगे, डेटाबेस में रखते होंगे। तो मानते हैं कि एक डेटाबेस होता है, तो पहले हम लोग आज ड्राइंग करेंगे, तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक डेटाबेस होता है। तो हमने एक डेटाबेस बना दिया, ठीक है, ये हुआ हमारा डेटाबेस। अब ये जो डेटाबेस होता है हमारे पास, ये मर्न स्टैक में मोंगो होता है, ठीक है। तो ये हमारा मर्न स्टैक का एम हो गया, एम फॉर मोंगो, मोंगोडीबी। तो MongoDB क्या करता है, डेटा को लेता है, जो भी आपने अगर बोला कि ये प्लेलिस्ट बनाएंगे, आपने अगर बोला कि ये ईमेल आया है, ये ईमेल गया है, आपने अगर बोला कि ये लाइक किया है मैंने ये पोस्ट किया है, ये टाइमलाइन है, ये सब कुछ कहाँ जाकर सेव होता है बताइए, MongoDB में सेव होता है, ठीक है। तो हमने डेटाबेस को, जो भी डेटा है उसको मोंगो में सेव कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, हमें एम तो समझ में आया कि डेटा हम जो भी कर रहे हैं इंटरनेट पे, हमारा जो भी एक्शन है, चाहे वो एक लाइक करना हो, एक कमेंट करना हो, एक पोस्ट करना हो, एक प्लेलिस्ट बनाना हो, कुछ भी जो आप कर रहे हो, सब्सक्राइब करना हो, ये सब कुछ जाकर एक डेटाबेस में सेव हो जाता है। आपका एक नाम रहता है, यूजर होते हैं आप, और यूजर की एक आईडी होती है, उस आईडी के अगेंस्ट अलग अलग टेबल्स में, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में एंट्री होती है। हम इस पे भी बहुत विस्तार से बात कर सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर क्या होता है और डेटाबेस कैसे काम करता है, बट वो विस्तार से हम बाद में बात करेंगे आराम से, आज पूरा मर्न समझना है। तो MongoDB ये करता है कि डेटाबेस को सेव करता है। तो आपने डेटाबेस को समझा, अब ये जो डेटाबेस है, ये जो DB हमने यहां बनाया है, ये खुद ब खुद तो नहीं चलेगा, मतलब चलेगा खुद ब खुद, लेकिन इससे किसी को बात करनी होगी कि ए भाई थोड़ा डेटा दे दे ये यूजर को, उसके कार्ट का डेटा चाहिए, ए भाई यूजर को अपना सब्सक्रिप्शन वाले चैनल्स चाहिए, भाई यूजर को हिस्ट्री चाहिए, कोई तो उससे डेटा मांगेगा, है ना। मतलब एज अ यूजर मैं ये डेटा मांगता हूँ ना, जब मैं हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो मेरे हिस्ट्री वाले वीडियोस देखते हैं, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करता हूँ सब्सक्रिप्शन वाले वीडियोस देखते हैं, ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ये कहीं सेव हो रही है, तो कोई तो मांग रहा होगा, कौन मांगता है, डेटाबेस से कौन बात करता है, डेटाबेस से बात करता है आपका API सर्वर। API सर्वर मतलब ये क्या करता है, ये APIs बनते हैं, इस तरह के APIs होते हैं, मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे /API/history, इसको यूजर आईडी पास किया जाता है और ये एक सर्वर होता है कहीं पर, ठीक है। ये डेटा, कोई इससे डेटा मांगता है, जब हम बोलते हैं कि भाई मेरा हिस्ट्री चैनल क्लिक करो, तो वो सर्वर, हम समझेंगे कैसे, सर्वर को वो API फायर होती है, बताएंगे कैसे फायर होती है, और वो उस डेटा को बोलता है डेटाबेस को कि भाई देखो मुझे दे दो, ठीक है। वो बोलता है, अगर SQL होता है तो बोलता है सेलेक्ट और ये क्वेरी, मुझे डेटा दे दो, अगर MongoDB होता है तो बोलता है इस यूजर आईडी के लिए ये डेटा दे दो। सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल है, जैसे आप किसी से मांगते हो कि यार ऐसा करो थोड़ा चावल, थोड़ा दही, थोड़ा दूध हमें दे दो, दुकान वाले से मांगते हो ना, दुकान वाला जाता है स्टोर में, सब अलग अलग रखा रहता है, सब एक जगह करके एक प्लास्टिक में ला के आपको दे देता है, वही है डेटाबेस। क्या है डेटाबेस, सोच के भी लग रहा है जैसे डेटा स्टोर है, जैसे स्टोर होता है वैसा ही होता है, कुछ बहुत नया चीज नहीं होती है, तो आपको सामान ला के दे दिया जाता है। अब ये जो आपका डंजो वाला इंसान है, जो छोटू है, वो आपका सर्वर है, जिसको आप बोलते हो ये जाओ वो डेटा लेके आओ वहां से, वो डेटा लेकर आता है एक प्लास्टिक में, बोलता है ये लीजिए आपने ये मंगाया था। ये सर्वर हम किस में लिखते हैं, ये सर्वर हम लिखते हैं एक्सप्रेस में। तो ये मर्न स्टैक का ई है, ये आपको समझ में आया कि ये आपस में दोनों बात करते रहते हैं, जो भी डेटा इनको चाहिए होता है वो एक्सप्रेस मोंगो से मांगता है, मोंगो एक्सप्रेस को देता है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश रहता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक्सप्रेस जो है ये किस पे चलता है, ये एक सर्वर पे चलता है,
एक्सप्रेस जो है एक लाइब्रेरी है, एक फ्रेमवर्क है। ये चलता किस पे है? ये चलता है नोड के ऊपर, नोड जेएस के ऊपर। तो नोड जेएस के ऊपर चलता है एक्सप्रेस, ठीक है। और नोड जेएस जो है वो मर्न का एन है। तो अभी तक हमने मर्न में एम समझ लिया, ई समझ लिया, एन समझ लिया। अब आप बोलोगे कि ये आर क्या है? अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक मुझे सर्वर से डेटाबेस और डेटाबेस से सर्वर की बातचीत शुरू हो गई। अब मुझे चाहिए कि एक यूआई हो, एक यूजर इंटरफेस हो। आपस में तो बात करते नहीं रहेंगे, और आप सर्वर को तो ऐसे बोलते नहीं हो कि हिस्ट्री वाला एपीआई देना रे भाई। नहीं ना, एपीआई से तो बात नहीं करते हो, यूजर इंटरफेस से बात करते हो। ये यूजर इंटरफेस कहाँ होता है जरा देखते हैं एक बार। ये यूजर इंटरफेस आपके मोबाइल पर होता होगा, ऐसा कुछ। मेरे को ना पुराना वाला मोबाइल ही ड्रॉ करने आता है, तो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये ऐसा मोबाइल होता है, इसमें एक हिस्ट्री टैब होती है, ठीक है। और इस हिस्ट्री टैब पे आप क्लिक करते हो, तो वो जो है इस टैब पे क्लिक करने पे वो सर्वर को ये रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर डेटाबेस को ये रिक्वेस्ट भेजता है, डेटाबेस वापस से सर्वर को डेटा भेजता है, और आपको वापस से डेटा मिलता है। तो आपको जो आ रहा है वो डेटा है यहाँ पर। और ये डेटा किस तरह का है? एक जेसॉन फॉर्मेट का डेटा होता है, जिसमें ऐसा लिखा रहता है कि आईडी ये है, और वीडियो ये था, उसका थंबनेल पार्डन माई हैंड राइटिंग ये था, उसका लिंक ये था, उसके लाइक्स इतने हैं, उसको देखा आपने कब, तो देखा आपने कब को क्या होगा, टाइम स्टैम्प ये है। ये सब डेटा आपको ऐसा डेटा आता है, और डेटा का एरे आता है, ऑब्जेक्ट होता है, और इस तरह के ऑब्जेक्ट्स का एक पूरा एरे आपके पास आता है। तो इसमें आपको डेटा आता है। अब इस डेटा को कौन दिखाएगा? फिर से जो क्लिक हुआ था, क्लिक से रिक्वेस्ट गया, रिक्वेस्ट से डेटा आया, तो डेटा को ऐसे तो दिखा नहीं देंगे आपको। ऐसे थोड़ी डेटा दिखता है जैसा मैंने यहाँ लिखा है, नहीं। डेटा कैसे देखते हो? डेटा तो अच्छे से एकदम बढ़िया सुंदर टाइल में देखते हो ना मेरे भाई। तो वो कौन दिखाता है तुम्हें? वो भी रिएक्ट दिखाता है। तो जो पूरा का पूरा फ्रंट एंड का गेम है कि क्या दिखाना है, ठीक है, तो बेसिकली जो विजुअल्स हैं और जो इंटरैक्शंस हैं, और इंटरैक्शन से जो डेटा फेचिंग है, और डेटा फेचिंग के बाद जो डेटा डिस्प्ले है, ये तीनों चारों चीज, ये सब कुछ आपको रिएक्ट दिखा रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि मर्न स्टैक में रिएक्ट क्या करता है। MERN MongoDB डेटा होल्ड करता है, एक्सप्रेस नोड पर चलकर एक API सर्वर चलाता है, क्योंकि रिएक्ट डायरेक्टली MongoDB से बात नहीं करता, एक्सप्रेस के थ्रू बात करता है, सर्वर के थ्रू बात करता है। ये लोग दोनों HTTP पे बात करते हैं, HTTP APIs के थ्रू बात करते हैं, जबकि एक्सप्रेस मोंगो से एक सेपरेट कनेक्शन में बात करता है, अपने ढंग से बात करता है। और जो पूरा का पूरा फ्रंट एंड जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, एक एक बटन, एक एक की, एक एक व्यू, एक एक टाइल, एक एक इमेज, वो सब कुछ रिएक्ट रेंडर करता है। एवरीथिंग इज रेंडर्ड बाय रिएक्ट। और इसलिए ही आज के टाइम पे रिएक्ट सीखना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि वो पेज चेंज करने से लेके सारा का सारा इंटरेक्शन, जितना स्टेट मैनेजमेंट है, जब आप क्लिक करते हो तो एड टू कार्ट दिखता है, विशलिस्ट पे ड्रैग ड्रॉप करते हो तो विशलिस्ट ऊपर नीचे हो जाता है, ये सारे इंटरेक्शन जो है सब अब फ्रंट एंड पे आ गए, और ये सारे इंटरेक्शंस बैकएंड पे बस सेव होने जाते हैं। तो बैकएंड पे काम थोड़ा कम हो गया है, आपको बस वहाँ APIs लिखने, वहां पर आपको बहुत सारा लॉजिक नहीं लगाना है, लॉजिक जितना है वो फ्रंट एंड की तरफ शिफ्ट कर गया है। तो इस तरह से मर्न स्टैक काम करता है। अगर आप ये पूरी चीज लिख सकते हैं, अगर आप एक्सप्रेस डेटाबेस से कैसे बात करें ये लिख सकते हो, और एक्सप्रेस रिएक्ट से कैसे बात करें ये लिख सकते हो, और रिएक्ट पूरा का पूरा UI कैसे बनाए, स्टेट कैसे मैनेज करे, डेटा कैसे डिस्प्ले करे, इंटरेक्शंस कैसे करे, अगर आप ये लिख सकते हो तो आप एक मर्न फुल स्टैक डेवलपर हो जाते हो। इसमें ना मैंने एक चीज आपको नहीं बताई कि ये जो रिएक्ट का ऐप होता है ये कहां होता है। रिएक्ट के ऐप को आजकल एकदम अलग ढंग से होस्ट किया जाता है। तो रिएक्ट का ऐप जो होता है ना, वो कुछ नहीं होता, वो बस जावास्क्रिप्ट के फाइल्स होते हैं, स्टैटिक फाइल्स होते हैं। तो आप ऐसा मान लो कि रिएक्ट जो है, रिएक्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, इमेजेस होते हैं, CSS होते हैं। तो ये इन चीजों को कहते हैं स्टैटिक फाइल्स। स्टैटिक फाइल्स का क्या मतलब होता है कि ये फाइल्स चेंज नहीं होते। डेटाबेस जो आपका है वो डायनामिक है, उसमें चेंज हो रहा है। आप एक बार लाइक करते हो तो वो लाइक का काउंट वहां जाता है, इंक्रीमेंट होता है, डेटाबेस में रहता है। हिस्ट्री में जब आप कुछ देखते हो तो हिस्ट्री में एक चीज इंक्रीमेंट हो जाती है, ऐड हो जाती है उस एरे में,
तो वो डायनामिक है, लेकिन जो आपका इमेज है, जो वीडियो का थंबनेल है, वो हमेशा चेंज नहीं होता रहता, कभी कभी चेंज होता है। और जो जावास्क्रिप्ट, जो आपने ऐप लिखा है, रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में जो आपने ऐप लिखा है और जो उसको दिखाने के लिए CSS बनाया है, ये पैडिंग दी है, ये मार्जिन दिया है, ये सब जो किया है, वो भी स्टैटिक है। वो जब आप ऐप को अपडेट करोगे, कोड को अपडेट करोगे, तभी अपडेट होता है, हर इंटरेक्शन पे तो अपडेट नहीं हो रहा है। तो ये जो आपका स्टैटिक फाइल्स है, इसको हम लोग आजकल एक अलग सर्वर पे रखते हैं, ठीक है, और उस सर्वर को हम कहते हैं, आप उसको स्टैटिक सर्वर बोलो, और उस सर्वर को CDN भी बोला जाता है। CDN में क्यों रखा जाता है, क्योंकि देखो एक चीज और इसमें समझने की चीज है कि ये आपकी दुनिया है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड में आप इस तरफ हो सकते हो आप फोन लेकर, और सर्वर आपका इस तरफ हो सकता है। तो जितनी दूर आपका फोन और सर्वर रहेगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको पैकेट को लाने में, क्योंकि पैकेट तो लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और लाइट के स्पीड में भी अर्थ के पूरा चक्कर लगाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही लगता है, फ्लैश को भी लगता था, है ना। तो जितना दूर रहेगा उतना टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, CDN पे क्या करते हैं कि ये जो सर्वर है ना आपका, ऐसे बहुत सारे सर्वर अर्थ के हर कोने पर रख देते हैं, हर बड़ी कंट्रीज के आसपास रख देते हैं, 200-250 सर्वर रख देते हैं। और जब आप बोलते हो कि यार मुझे ये ऐप चाहिए, मुझे YouTube.com चाहिए, YouTube.com इज नथिंग बट अ वेब ऐप, तो जब आप बोलते हो कि मुझे ये YouTube.com चाहिए, ये वेब ऐप चाहिए, तो आपको पता है क्या किया जाता है, आपको जो नियरेस्ट आपका सर्वर होता है वहां से आपको वो ऐप सर्व कर दिया जाता है, कि यहां से आपको बस 30 मिलीसेकंड्स में ही आ जाएगा। अगर अमेरिका भेजेंगे इस रिक्वेस्ट को तो उसको 250 मिलीसेकंड भी लग सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो स्टैटिक जो कोड है वो एक जगह रखा रहता है आज के समय में, उसको हम नेटलीफाई पे रख देते हैं, उसको हम कई बार वर्सल पे रख देते हैं। ऐसे CDN नेटवर्क्स काफी सारे हैं जिन पर स्टैटिक को होस्ट किया जाता है। तो आजकल की होस्टिंग ऐसी हो गई कि आपको एक स्टैटिक सर्वर चाहिए, एक CDN सर्वर चाहिए, स्टैटिक को ही CDN कह रहा हूं मैं, इंटरचेंजेबली कहते हैं, तो एक CDN सर्वर चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए कहीं पर जो अपना स्केल होता रहे, और एक आपको API सर्वर चाहिए। तो जब ये कोड, जो ये CDN का कोड है, जब ये CDN का कोड यहां से डाउनलोड होकर आपके ऐप पे जाता है, तो वहां पर वो पूरा का पूरा व्यू बनाता है, और फिर इंटरेक्शन के लिए शुरू होता है, और फिर वो शुरू होता है कि अच्छा YouTube का होम पेज है तो मुझे इसकी फीड बनानी होगी, तो उस फीड के लिए वो एक API कॉल करता है, मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। तो ऐसा एक /API/feed होगा, ऐसा एक API कॉल वो सर्वर को भेजता है, सर्वर डेटाबेस को भेजता है, डेटाबेस वापस सर्वर को भेजता है, सर्वर वापस इसको भेजता है, तब ये व्यू बनाता है। तो जरूरी नहीं कि YouTube बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा हो, लेकिन मोस्ट ऐप्स आज के समय में ऐसे काम करते हैं। जब वो बूटस्ट्रैप होते हैं, यानी कि ऐप खुलता है, तो उसके बाद वो डेटा मांगते हैं सर्वर से, और डेटा मांगकर व्यू को बनाते हैं। इसलिए कई बार होता है कि आपके पास ऐप आ जाता है, उसका आपको ऐसे करके लोडर दिखता रहता है, क्योंकि वो लोडर जो है वो बेसिकली सर्वर के पास जाके डेटा मांग रहा है, सर्वर डेटाबेस से मांग रहा है, डेटाबेस सर्वर को दे रहा है, सर्वर वापस से ऐप को दे रहा है, तो आपको व्यू में वो दिख रहा है। दिस इज हाउ अ मॉडर्न मर्न स्टैक ऐप Works। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, इसको कहते हैं एक्सप्लेनर वीडियोस, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इंटरनेट और वेब में जो चीजें होती है, जो इंटरनल्स होते हैं, इनको प्यार से समझाने में। तो अगर आपको ये iPad की ड्राइंग वाली क्लास मजेदार लग रही है, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि भैया ऐसे वीडियोस और बनाइए, कि यार ऐसे वीडियोस तो और आएंगे, और अगर आएंगे तो तुम्हारे कमेंट के साथ आएंगे, तुम्हारे शेयर के साथ आएंगे, तुम्हारे सब्सक्राइब के साथ आएंगे, तुम्हारे लाइक के साथ आएंगे। तो ये चीजें करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करते जाना।